हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग। इस वीडियो में हम मोनोकोट लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे। और मोनोकोट लीफ जनरली जो हम पढ़ते हैं टिपिकल स्ट्रक्चर, वो हम मेज लीफ का पढ़ते हैं। सो दिस इज अ मेज लीफ। कॉर्न का लीफ है ये, मक्के का। और इसमें क्या है कि यू ऑल नो इट शोज पैरेलल वेनेशन। देयर आर हेयर वी हैव सो मेनी वेन्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, बट हेयर यू कैन सी द मेन वेन और मिड रिब इन द सेंटर। सो इसमें क्या है कि जब हम लीफ का वी एस कट करते हैं, वर्टिकल सेक्शन, एक्चुअली इट इज वर्टिकल सेक्शन बिकॉज द लीफ लाइज लाइक दिस ऑन द प्लांट। तो वर्टिकल सेक्शन जब हम कट करते हैं इसका वी एस, इसी को हम टी एस भी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दो एक्चुअली इट्स वी एस। तो इसको जब हम कट करते हैं, सो द सेक्शन शोज वन मेन वेन हेयर, मिडरिब यहाँ दिखा रहा है सेंटर में, साथ में बहुत सारे और वेस्कुलर बंडल्स, एज सो मैनी वेन्स आर रनिंग पैरेलल टू इट। तो क्या है कि हम इसको शो करते हैं द मिडरिब मेन वेन एंड द स्मॉल वेस्कुलर बंडल्स विच आर रनिंग पैरेलल टू इट। ओके, तो वेस्कुलर बंडल्स को हम ऐसे दो तीन दिखा सकते हैं, दो भी दिखाएंगे तो दैट इज सफिशियंट। दिस इज द मेन मिडरिब वन मेन वेन। और ये जो लीफ है, एज वेन यू सी दिस लीफ, मोनोकोट का लीफ आप देखते हैं, आप इसकी दोनों साइड्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सेम लगता है ये दोनों साइड से, दो यू कैन सी दिस मिड रिब, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें इसमें सेम रहती हैं। सो दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज एन आइसो बायलेटरल लीफ। आइसो मीन्स सेम, बाय मीन्स टू, लेटरल मीन्स साइड्स। ओके, सो बोथ साइड्स आर सेम, ठीक है, टू सिमिलर साइड्स, ये मिलती है हमें मोनोकोट लीफ के अंदर। तो ये आइसोबायलेटरल लीफ है। इसमें जो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दोनों साइड्स पे सेम रहता है, यहाँ पर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में, अडैक्सियल और अबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों में स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहता है, एक जैसे ही, एक जितने ही नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, इसको हम बुलाते हैं एम्फीस्टोमेटिक लीफ। सो दिस लीफ इज isobilateral as well as amphistomatic. Okay, and this leaf is having, you can label it as epidermis. तो ये हो गया हमारा adaxial epidermis और upper epidermis, adaxial और upper. Then you can see cuticle here. Cuticle मैंने draw नहीं किया था यहाँ पे. So you can see, you can make a layer of cuticle also, as cuticle is also present here, ठीक है, जो कि waxy layer है, which is found on both upper and lower epidermis. तो ये हमारा हो गया जो नीचे वाला epidermis है जिसको हम lower बुला रहे हैं, इसको हम साथ ही क्या बुला सकते हैं, we can call it as the abaxial epidermis, baxial. ओके, देन वी कैन सी क्यूटिकल हेयर। क्यूटिकल हम दोनों साइड्स पे शो करेंगे, लीफ के अपर और लोअर साइड पे। देन वी कैन सी द मेन वेन हेयर एंड द स्मॉल वेन्स। एपिडर्मिस में हमें दिख रहा है ये स्टोमा है, ये दिस इज स्टोमेटा, और स्टोमेटा इज प्लूरल, सो वी विल लेबल इट स्टोमा। तो ये जो पार्ट हो गया, दिस इज, यहाँ पर कुछ कैविटी रहती है स्टोमा के जस्ट अंडर, इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक है, इसके अंदर एयर भरी रहती है जो स्टोमा से गैसेस अंदर जाएंगी। देन इस लीफ में, यस, एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, स्टोमा देख लिया। देन वी कैन सी किस कुछ स्पेशल सेल्स हैं यहाँ पर जो कि ज़्यादा मिलते हैं अडैक्सियल एपिडर्मिस में, और ये सेल्स हैं थिन वॉल्ड हैं, पैरेन्काइमेटस ही हैं ये थिन वॉल्ड सेल्स, इनको बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। दीज बुलीफॉर्म सेल्स जब ये पानी से भर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं और लीफ पूरा ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा जो लीफ है वो आराम से एकदम स्ट्रेच्ड रहता है व्हेन दे आर फिल्ड विद वाटर। जब प्लांट में पानी कम होगा, अब जब ये फिल्ड है वाटर से तो लीफ स्ट्रेच्ड है, ही मीन्स स्टोमेटा भी एक्सपोज हुए हैं और यहाँ से ट्रांसपिरेशन भी हो पा रही है। बट व्हेन प्लांट लूजेस वाटर, व्हाट हैपेंस, दीज बुलीफॉर्म सेल्स दे
लूज वाटर एंड दिस लीड्स टू रोलिंग ऑफ द लीफ. तो लीफ ऐसे रोल हो जाता है. रोल होने से लीफ में क्या बेनिफिट है, ट्रांसपिरेशन के लिए एक्सपोजर जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, सरफेस एरिया एक्सपोजर का कम हो जाएगा ताकि कम स्टोमेटा एक्सपोज होंगे और कम वाटर लॉस होगा. तो दीज बुलीफॉर्म सेल्स आर स्पेशली फाउंड इन मोनोकोट लीव्स. ये जो मैकेनिज्म है ये डाइकोट लीव्स में नहीं मिलता है. ठीक है, वो रोल नहीं होते हैं. ओके, तो ये जो लीव्स हैं दे हैव बुलीफॉर्म सेल्स इन द एपिडर्मिस. उसके बाद जो इसका ग्राउंड टिश्यू है, एज यू कैन सी हियर दीज सेल्स, दीज ग्रीन सेल्स, दीज आर मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं है. ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स एक ही टाइप के मिलेंगे. मेसोफिल सेल्स एज यू नो इज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ एंड दीज सेल्स आर क्लोरेनकाइमेटस. दे हैव क्लोरोप्लास्ट, यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट. जितनी भी डॉट्स आप देख रहे हैं इन हाफ लीफ, आई हैव मेड दीज डॉट्स. ओके, एज इट दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आप लोगों को जब एग्जाम में ड्रॉ करना है देन यू हैव टू मेक दीज डॉट्स एज वेल. ओके, सो ट्राई टू मेक अ फ्यू सेल्स सो दैट इट विल हेल्प यू सेव सम टाइम. तो इसमें जो हम बना रहे हैं ये जो डॉट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, दीज रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट. सो दिस दीज सेल्स आर क्लोरेनकाइमेटस. क्लोरेनकाइमा है ये सभी सेल्स. ओके, पेरेनकाइमा है विद क्लोरोप्लास्ट. और जो मेसोफिल सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डाइकोट लीफ में ये पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएटेड थे, बट हियर देयर इज नो डिस्टिंक्शन. ठीक है, देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन एज स्पॉन्जी एंड पैलिसेड. पैलिसेड एंड स्पॉन्जी की कोई में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते. सारा मेसोफिल एक जैसा ही लगता है. तो यू कैन जस्ट लेबल इट मेसोफिल टिश्यू और सिंपली मेसोफिल. ओके, मेसोफिल पेरेनकाइमा भी लेबल कर सकते हैं आप इन्हें. देन सो दिस इज ग्राउंड टिश्यू. साथ में क्या है कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस जहां पर आपका वेस्कुलर बंडल आ रहा है, दिस इज द मेन वेन, मिडरिब है ये. इसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके अंदर क्या दिख रहा है आपको, यू कैन सी ऑन वेस्कुलर बंडल्स यू कैन सी बंडल शीट. ठीक है, बंडल शीट हर लीफ में नहीं मिलेगी. मेज है, बंडल शीट मिलती है सी फॉर प्लांट्स में, तुमने पढ़ा होगा क्रैंस एनाटॉमी. तो मेज इज अ सी फॉर प्लांट. इसमें आपको लीफ में आप देख सकते हो बंडल शीट है वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड. सो दिस बंडल शीट इज पेरेनकाइमेटस. लेकिन जो बंडल शीट की एक्सटेंशन है वो कैसी है, स्क्लेरेनकाइमेटस है. सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीट. बंडल शीट एक्सटेंशन मिलती है सिर्फ मेन या लार्ज वेस्कुलर बंडल्स में या मेन वेस्कुलर बंडल जो मिडरिब है उसमें. ठीक है, सो दिस इज बंडल शीट एक्सटेंशन. ओके, और बंडल शीट आप छोटे वेस्कुलर बंडल में भी देख पा रहे हैं और बड़े में भी. ठीक है, तो बंडल शीट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी फोर प्लांट्स. मेज एक सी फोर प्लांट है. देन लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. कैसा वेस्कुलर बंडल है ये, वेस्कुलर बंडल पूरा है, बंडल शीट से कवर्ड है. सो दिस वेस्कुलर बंडल इन इट यू कैन सी, जैसे कि हमने डाइकोट में देखा था जाइलम में मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिफ्रेंशिएशन नहीं था, यहाँ पर है. यू कैन सी हेयर मेटाजाइलम, बिग वेसल्स ऑफ मेटाजाइलम. तो ये हो गया हमारा मेटाजाइलम का वेसल और ये हमारा है ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम वेसल. दिस इज प्रोटोजाइलम वेसल एंड अलोंग विद वेसल्स जाइलम में मेनली क्या रहता है, ट्रकीज. तो दीज ऑल द सेल्स सराउंडिंग द मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम वेसल्स दीज आर ट्रकीज. तो यहां पर आ गए ट्रकीज. ठीक है, अच्छा. तो और एक चीज और यहां पर है, दिस यू कैन सी द कैविटी. कैविटी कहाँ बनती है, प्रोटोजाइलम के साथ बनती है, प्रोटोजाइलम के सेल्स के फ्यूज होने की वजह से बनती है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम कैविटी. दिस इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम कैविटी. इसको लेक्यूना भी बुलाते हैं,
मोटर स्टोर करती है ये। तो इस लीफ में आप प्रोटो और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएशन देख पा रहे हो। सो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दोनों देख पा रहे हैं आप, ठीक है। देन ये जो जाइलम है ये किस टाइप का जाइलम है, इसको हम एंडार्क जाइलम में ही ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर है, वो है हमारे अपर एपिडर्मिस की तरफ, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स में हमारे जो जाइलम है दिस इज कंसीडर्ड एंडार्क एज, जैसे कि स्टेम में होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रोटोजाइलम ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर, और इसको हम इनर भी बोलते हैं। सी ये जो लीफ है हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है लाइक दिस, वी हैव गॉट द सेक्शन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से काटा गया है, तो आप सोचो कि अगर इसमें अपर एपिडर्मिस की साइड प्रोटोजाइलम है, तो अगर हम इसको रोल करके देखते हैं, जस्ट ट्राई टू मेक इट सिलेंड्रिकल, तो प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ आता है, सेंटर की तरफ, जस्ट लाइक इन स्टेम, ठीक है। स्टेम में क्या होता है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, तो हम उसे एंडार्क जाइलम बुलाते हैं। सेम वे लीफ में भी इसको एंडार्क कंसीडर किया जाता है बाय मेकिंग अ सिलेंडर आउट ऑफ द लीफ। तो अब हम पूरे वेस्कुलर बंडल को देखें, जाइलम के नीचे पड़ा हुआ है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम में दिस इज ऑल फ्लोएम, ठीक है। द फ्लोएम इज हैविंग सीव ट्यूब्स, डॉट्स डालेंगे सीव ट्यूब के लिए ताकि हम सीव प्लेट्स शो कर सकें। देन वी कैन शो सम जाइलम, सॉरी फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, ये सब हम यहाँ पर इसमें शो करेंगे। एंड दिस इज, ये हमने इसको लेबल कर दिया एज फ्लोएम, जस्ट लेबल इट एज फ्लोएम, ठीक है। देन व्हाट इज लेफ्ट, यस अबाउट वेस्कुलर बंडल, पूरा जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसा है। इट इज कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट में क्या है, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे, एंड इट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल जनरली हम वर्ड यूज करते हैं व्हेन द फ्लोएम इज टुवर्ड्स आउटर साइड। अब यहाँ लीफ है, लीफ में आउटर इनर की कोई बात नहीं है, फिर भी अगर हम सिलेंडर बनाकर देखते हैं देन द वेस्कुलर बंडल बिकम्स कोलेट्रल, दैट्स वाई वी कॉल इट कंजॉइंट एंड कोलेट्रल। और साथ ही इसमें क्योंकि कैम्बियम नहीं है तो द वेस्कुलर बंडल इज क्लोज्ड, सो वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, ओके। एंड जाइलम इज एंडार्क, कंसीडर्ड एंडार्क। देन व्हाट एल्स इज लेफ्ट, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, ओके। और इसमें आपको रह गया है जो, वो है कि इसमें भी हम स्मॉल वेस्कुलर बंडल में भी क्या देखते हैं, बंडल शीथ इज देयर, बट यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटा एंड प्रोटोजाइलम। बंडल शीथ है यहाँ पर और बंडल शीथ की एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, तो बंडल शीथ की जो एक्सटेंशन है वो बन जाती है। देन यू कैन सी यहाँ पर जाइलम, यू कैन सी एंड ऑल्सो फ्लोएम। फ्लोएम हमें ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, फ्लोएम के सेल्स आ गए। सो दिस इज फ्लोएम एंड जाइलम बोथ इन अ स्मॉल वेस्कुलर बंडल, पर इसमें हमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के वेसल्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोट लीफ, स्पेशली इसमें जो लीफ है वो लीफ है हमारा कौन सा, मेज लीफ है ये, ठीक है। C4 लीफ है जिसमें बंडल शीथ है, ठीक है। बंडल शीथ में भी दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर बंडल शीथ में और मेसोफिल सेल्स में दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट C4 प्लांट्स, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।